नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य के श्री ब्रेकिंग न्यूज। मैं सुमन पत्रकार सत्य केसरी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सत्य केसरी टीम इस टाइम मौजूद है हल्का थानेसर जीरकपुर क्षेत्र में। आज हम बात कर रहे हैं गांव ब्रह्मखेड़ी के सरपंच महोदय से, जानते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में गांव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए। हाँ जी, आपका नाम, आपके हल्के का नाम? मेरे हल्के का नाम थानेसर कुरुक्षेत्र और मेरा नाम सपना सैन। जब आपने चुनाव लड़ा आपके बराबर में कितने कैंडिडेट थे और आपने कितनी वोटों से विजय हासिल की? मेरे अगेंस्ट दो कैंडिडेट और थे और मैंने 169 वोटों से विजय प्राप्त की। आपके गांव में कुल पंचायती जमीन कितनी है और उसकी वार्षिक आय? गांव में जो पंचायती जमीन का पैसा आता है आप उसे कहां लगाते हो? मेरे गांव में कोई पंचायती जमीन नहीं है और मतलब गांव का जो विकास कार्य है वो सारा का सारा सिर्फ ग्रांट पे डिपेंड है। जितनी ग्रांट आती है उसे हम अपने गांव में गलियों का निर्माण कर देते हैं और जो जरूरत कार्य होते हैं उसमें भी लगा देते हैं। आपके गांव में कुल जोड़े कितने हैं? क्या आप वहां पर समय समय पर सफाई कराते हो? पिछले महीने कब सफाई कराई? मेरे गांव में सिर्फ एक ही जोड़ा है और मेरे गांव के साथ तीन कॉलोनियाँ और अटैच हैं। सिर्फ मेरे गांव में ही मतलब एक जोड़ है तो गांव का तो सारा जो जल है नालियों का पानी वो सारा का सारा जोड़ में जाता है और जोड़ की हम सफाई करवाते रहते हैं लगभग 3 मंथ के बाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और मेरी भी यही है कि बेटी आगे बढ़ेगी तभी देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा और बेटी भी आजकल कोई बोझ नहीं है, उसको भी बेटे के समान ही मान्यता देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना चलाई उसके तहत आपके गाँव में कितने को मकान दिलाए गए? जो जब पिछले सरपंच के अकॉर्डिंग थी तब भी मतलब दिलाए गए थे 60 परिवारों को और अभी भी हमने भी मतलब फॉर्म तो सभी के फिल कर रखे हैं जिनके मकान कच्चे हैं। अभी तक वैसे कोई ग्रांट इसकी तो आई नहीं है अभी तक। तो आपके गांव में कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? क्या वहां पर जाकर समय समय पर बच्चों का राशन चेक करते हो? पिछले महीने कब चेक किया, विस्तार से बताएं। मेरे गांव में दो आंगनबाड़ी हैं और वो भी मतलब कोई पंचायती ज़मीन नहीं है तो इसलिए हमने चौपाल में ही आंगनबाड़ी खुलवाई हुई है और जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो जाते हैं उसमें और क्या कहते हैं वो ये राशन तो सिर्फ यही बनता है उसमें, जैसे दलिया हो गया छोटे छोटे बच्चों के लिए और मूँगफली भी देते हैं उनको। अच्छा मतलब अच्छा मैंने खाना चेक किया उनको, मैं भी खा के आऊँगा, अच्छा मानते हैं वो। उज्ज्वल योजना के तहत आपके गांव में कितनी लाइटें लगवाई? मतलब अभी तो लगवाई हमने 120 लाइटें लगवा दी हैं और अभी भी मतलब थोड़ी बहुत पड़ी हैं, अभी भी उनको भी लगवा देंगे जल्दी। आप अपने गाँव की प्रमुख समस्या बताएं। मेरे गांव की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो सिर्फ पानी की निकासी है। जैसे गांव की तो पानी की निकासी है जोड़ में और जो तीन कॉलोनियाँ अटैच है ना उनके लिए मतलब कोई अभी तक निकासी नहीं हुई है। हमारा मेन फोकस उसी पे ही है कि उन तीन कॉलोनियों को तो पानी का जल्दी से पानी की निकासी करवाएं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि बेटी को आगे पढ़ाओ लिखाओ और उसे इस काबिल योग्य बनाओ कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर आज अपने गांव का विकास देश का विकास कर सके। धन्यवाद। जुड़े रहिए सत्य केसरी के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें। मेरे सहयोगी पूजा कैमरामैन के साथ।